तो अब एक साधारण आदमी के मन में एक सवाल रहता है कि सोयाबीन की जो किस्में हैं, कुछ में तीन दाने वाली फलियां होती है, लेकिन जबकि कुछ जो किस्में हैं जिसमें कि चार दाने वाली फलियां होती है, और कुछ के दाने छोटे होते हैं, कुछ के दाने बड़े दाने के आकार के भी होते हैं, तो ये जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से गवर्न होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर बताएंगे हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा हो जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, फिर से हम आनुवंशिकी के मतलब तरफ जाते हैं। ये भी जो सोयाबीन पर्टिकुलर में देखा गया कि जो नैरो लीफ शेप होता है जिनका जी, वो जनरली फोर सीडेड के तरफ जाता है। अच्छा, जो नैरो जो लंबी जो पत्तियां रहती है वो फोर सीडेड के तरफ जी। बायोलॉजी में वेरिएशन तो होता ही है जी, जी। लेकिन ये कोरिलेशन स्टडीज में ये पाया गया कि जिनकी लंबी पत्ती होती है वो फोर सीडेडनेस के तरफ जाता है, और जो राउंड गोलाकार जो होती है उसमें दो या तीन उनमें ये जेनेटिकल कैरेक्टर है, आनुवंशिक गवर्न करता है। वैसे तो सारे ही कैरेक्टर जो होते हैं वो जेनेटिकली गवर्न होते हैं, लेकिन कई बार जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट जिसको हम साइंस में बोलते हैं, वो एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है। अच्छा, जैसे हाइट अगर ह्यूमन के केस में, मतलब आदमी के केस में, अगर उसको सनलाइट में ज़्यादा जो रहता है तो जनरली वो काला सा कलर लेगा, एक्सपोज होता है तो कालापन रहेगा, चमड़ी में टैनिंग हो जाता है, और जो जो ठंडे इलाके में रहते हैं वो गोरे रहते हैं, गोरे रहते हैं। तो इस तरीके का हमारी जो सोयाबीन के केस में अगर यहाँ लगाई जाए पर्टिकुलर मालवा में, तो उसके जो लाइफ साइकिल होती है जी, तो यहाँ अगर मतलब अगर सेंट्रल इंडिया अगर यह हो तो 100 दिन होगा, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में लगाई जाए तो 5-10 दिन ज्यादा लेती है, ज्यादा होती है, ज्यादा वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का कुछ है, उसका उसका भी फर्क पड़ता है जी जी जी, उपज का फर्क पड़ता है जी, कि यहाँ जो वैरायटी अच्छी उपज देगी मालवा में, वो जरूरी नहीं कि नॉर्थ में वो चीज वो सेम वैरायटी उतनी उपज देगी, तो ये भी फर्क होता है। इसलिए हमने साइंटिफिकली 5 जोन बनाया है जी, EICRP के 5 जोन है, 5 जोन बनाया है, और जोन वाइज हम देखते हैं कि जोनल में हाइएस्ट उपज वाली कौन सी वैरायटी वो सिलेक्ट करते हैं जी जी जी, और उसको फिर मतलब लोकेशन स्पेसिफिक उस जोन के इसमें जो बेस्ट रहेगी वो यस जी। तो ये पाया जाता है कि एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होता है। जैसे अब अगर हम कोरिलेट करें आदमी से फिर से, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग है, आदमी भी लिविंग बीइंग है, जेनेटिक्स तो सब में सेम ही होता है, जो उसके प्रिंसिपल आदमियों में भी और प्लांट्स में भी सेम ही होते हैं, बिल्कुल वो गवर्न मतलब जेनेटिक्स ही गवर्न करता है जी 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 मैगजीन। तो ये जो है तो एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है, लेकिन मैगजीन रोल प्ले करता है आपका जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स।